115वीं जयंती के अवसर पर शोषित वंचित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है लोगों ने। क्या महारैली भी है और इसके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ दावेदारी है? दावेदारी घोसी है, सलेमपुर है, गाजीपुर है, लालगंज है, देवरिया है, जौनपुर है, तमाम सीटें हैं। 80 सीट में कोई सीट मिलेगी? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मिल के लड़ा है, चाहे खींचतान करके अलग लड़ा है, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं, जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। घोसी की सीट प्रथम वरीयता है आपकी, अब मिलेगी तो लड़ेंगे। डिमांड क्या है, अगर कितनी सीटें मांग रहे हैं? मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर प्राथमिकता है। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। लड़ने वाले हैं लोकतंत्र में, जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो लड़ने का अधिकारी है। घोसी से अब घोसी मिलेगी तो देखा जाएगा। अरविंद राजभर के लड़ने की चर्चा हो रही है घोसी से, अब मिलेगा तो पार्टी के नेता है तो क्यों नहीं लड़ेंगे? मंत्रिमंडल के कारण विरोधी पार्टियों को सरकार में शामिल करने की कवायद। आपने कहा कि अधिसूचना लागू नहीं होने देंगे जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे। भाई जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं, उनके जितने प्रत्याशी घोषित है सब हारने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। क्या वजह रही? राष्ट्र की रक्षा किया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। शिवपाल यादव को टिकट मिला कितना अजीब, उनको रसातल में पहुंचाने के लिए भेजे हैं, कभी जीवन में कभी बधाई वो गए नहीं हैं। कभी हो सकता है किसी शादी विवाह में किसी के चले गए हों और वो खुद अंदर अंदर कोस रहे हैं कि का हमारे साथ कर दिया, खेल हो रहा है। घोसी उपचुनाव में बाहरी स्थाने का मामला आया, अरे भैया मेरे, आपको पता होना चाहिए कि रसड़ा में हम लोग निवास करते हैं, जो घोसी लोकसभा का एक विधानसभा है और वहाँ से हम लोग मतदाता है। हम लोग घोसी लोकसभा के मतदाता है, ओम प्रकाश राजभर, हम लोग यहाँ नाम चढ़वा लिए हैं और हम रहते हैं यहाँ रसड़ा में और रसड़ा से अपना बनवा करके प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हम गाजीपुर के जहूराबाद लड़ते हैं। मंत्रिमंडल में चुनाव लड़ेंगे तो छड़ी और कमल में भाषा है? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। देखिए ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि योगी जी से लोग कहते हैं कि आपकी नहीं बनती है और आपने मन से कहा, तो अभी क्या कारण है कि ये बात बोलनी पड़ी? ये कुछ लोग धरातल पे चट्टी चौराहे पर चर्चा करते हैं, गरीबों को गुमराह करते हैं। किसने थे उनको कहा कि आप घबराओ नहीं, समय नहीं था, नहीं उनको बताते कि किसी भी, चाहे डीएम क्या काम हो, एसडीएम, तहसीलदार क्या काम हो, दरोगा क्या काम हो, कोई बात हो आप हमको बताओ। यहाँ अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम वहाँ बैठे हुए हैं ना, मुख्यमंत्री क्या बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह क्या बैठे हैं, हम उनकी समस्या, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए 2 शब्द, इंडिया गठबंधन के लिए 2 शब्द। देखिए इंडिया जो गठबंधन बना था तो उस गठबंधन से तमाम साथी 2 लाइन कह के चले गए कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, अखिलेश जी जियेंगे तो किसके लिए।